अभी तक एक अलमारी नहीं निकाल पाए। अगर 5 मिनट के अंदर ये अलमारी नहीं निकली ना तो तुम लोगों के 1000-1000 रुपए काट लूंगा मैं। लेकिन सर आपने तो हमें 500 देने के लिए बोला था, फिर 1000 कैसे काटेंगे? ठीक है तो 1000 देके 1500 काट लूंगा। चलो नहीं पड़ेगा सर, हम जा रहे हैं। ए मजाक कर रहे हो, तुम लोग भी ऐसे बुरे क्या बन रहे हो? एंजॉय एंजॉय। खींच खींच खींच, आवाज कैसी आ रही? निकला क्या? अरे जल्दी कर, खींच उसको, ऊपर लगा। आप लोग ये कर क्या रहे? अरे तुम काम रेडी रखो, चालू रखो, मैं आ गया। अरे नहीं, अरे क्या कर क्या रहे ये लोग? अरे अलमारी, वहाँ हो क्या रहा आप बताएंगे मुझे? मैं पुरानी चीजों को निकल के बाहर फेंक रहा हूँ। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे एक्सपायरी को अभी 2-3 दिन बचे हुए, इसलिए तुम सेफ हो। वो जो पुराना कबर्ड है ना, उसको निकाल के फेंक रहा हूँ, उसके बदले में नया कबर्ड डलवा। रखिएगा, जगह कहाँ है? पुराना कबर्ड निकलेगा तो नए कबर्ड के लिए अपने आप जगह बन जाएगी ना। पुराने कबर्ड को निकालने की जरूरत क्या है, वो ठीक तो है। ठीक तुम्हारे लिए होगा लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है। देखो मैं पुरानी चीजों से ना बहुत जल्दी थक जाता हूँ। आज कबर्ड हटाए, कल बेड हटेगा, परसों सोफा, तरसों तुम। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। पूछ सकती हूँ कि किससे पूछकर आप ये फर्नीचर मंगवा रहे हैं? किससे पूछकर क्या मतलब है? मेरा कमरा है, मेरे जो मन में आएगा मैं करूँगा। अगर किसी ने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसकी टांग तोड़ देंगे। नहीं देखिए, आपको जो तोड़ना है तोड़िए, आई रियली डोंट केयर, लेकिन उस कबर्ड को कुछ मत कीजिए। क्यों? तुम्हारी सगी बहन लगती है ये, अपने दहेज में साथ में लेकर आई थी। तो इस कबर्ड में मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज रखी। इम्पोर्टेंट चीज? तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुम्हारे सामने खड़ी है, जिसकी वजह से तुम ऐसे लग रही हो, समझी? तुम्हारे जो भी पैसे आते हैं ना, मेरी वजह से आ रहे। और अगर किसी का इम्पोर्टेंट सामान अंदर है तो वो मेरा है, जिसके ऊपर तुम कब्जा करके बैठ गई हो। लेकिन अब मैं अपनी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला, इसलिए तुम भूल ही जाओ। कैसे भूल जाओ? मैं नहीं भूलती। ज्यादा हिलने की कोशिश की ना, एक्सपायरी से पहले तुम्हारा हाथ निकालकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, समझी तुम? आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? अब जबरदस्ती की कहा है, 2-3 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि जबरदस्ती होती क्या है। सर हो गया सब काम? तो नीचे आके मेरा इंतजार करो, मैं आकर तुम लोगों को 500 करोड़ रुपए दूंगा। ओ, उड़ता हुआ सिंबाद। क्या? हाँ? अरे तांबा, ये वही ड्रॉर है ना? हाँ सर वही है सर, बड़ी मुश्किल से निकाला है सर इसको। और सर जैसे आपने बोला था ना, मैंने इसका लॉक भी तोड़ दिया है, ये देखिए। डोर खुला है मतलब मोगैम्बो अंदर नहीं है। गुड, जल्दी से ये पेपर्स छुपा देता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ से उसके हाथ लग सकते हैं। फिर कहा? हाँ ये सही रहेगा। अरे नहीं, ये पेपर्स तो बाहर निकला हुआ, क्या करूं? चालक, अगर मैंने इन्हें ये पेपर्स छिपाते हुए देखा नहीं होता, पूरी जिंदगी भी ढूंढ लेती ना, तो नहीं मिलते मुझे। ऐसी जगह छुपाया ना कि वो मोगैम्बो पूरी लाइफ ढूंढती रहे तो भी ना मिले। बस आज का फंक्शन हो जाए, फिर बनाता हूँ मैं उस मोगैम्बो का रेनबो। मुझे जल्दी वो पेपर्स वहां से गायब करने होंगे, वरना ऐसी प्रॉब्लम में पड़ूंगी कि निकल ही नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप वहां कुछ छुपाने की कोशिश कर? आज तक मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाया तो अब क्या छुपा?
रहे तो मुझे देखने क्यों नहीं दे रहे? मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर कुछ नहीं मिला तो मैं यहाँ नहीं कहीं और ढूंढूंगी। प्रॉमिस? पक्का वाला? तो देखो ना, आके खोल कर देखो, आके बंद करके देखो, चाहे तो आके निकाल कर देख लो, ढूंढो। ढूंढने वाली हूँ, मुझे तो तसल्ली हो जाएगी। वैसे क्या पहना आपने? बाहियात है, जाइए बदल कर आइए। जाइए मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं पहनूंगा ना। मैं डिजाइनर को फोन करके एक नया सूट मंगवाती हूँ, आप वो पहने और जाकर चेंज करिए। हाँ वो मैं तुम्हारे फेयरवेल पे पहनूंगा। मेरे फेयरवेल पे मैं कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जाओगी ये तो नहीं पता, पर जाओगी जरूर। आप मुझे इस घर से बाहर निकालने का प्लान तो नहीं बना रहे? मैं कैसे बताऊं? आपकी स्माइल, आप इतने खुश तो तभी होंगे ना जब मैं इस घर से जाऊंगी। क्या कर रहा है अभी? अपनी स्माइल पे कंट्रोल रख, इसे शक हो गया ना तो कोई नई गेम खेल लेगी। खुशी, खुशी तो तुम मुझे दे रही, मुझे ये सपने दिखा के कि मुझे मेरा सब कुछ मिल गया और तुम इस घर को छोड़कर जाने वाली। वैसे अगर मुझे मेरा सब कुछ वापस भी मिल गया ना, तभी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्यों? पता नहीं तुम्हें, बस आपके मुंह से एक बार सुनना चाहती हूं। सुनना चाहती तो सुनो, इतना वक्त हम दोनों ने एक साथ गुजारा, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर की, अचानक से अगर तुम चली गई तो तुम्हें टॉर्चर किसे करूंगा? मेरा मूड खराब हुआ तो मैं गुस्सा किस पर निकालूंगा? मेरी कॉफी कौन बनाएगा? और तो और इस घर का सारा काम, इस कमरे का सारा काम कौन करेगा? यानी आप मुझे इसलिए रोकना चाहते हैं ताकि आप मुझे टॉर्चर कर सके? तो और क्या वजह हो सकती? वजह तो जो भी हो, आप ये रिसेप्शन खत्म होने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ टॉर्चर किसे कहते हैं। तब तक आप देखते रहिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपने तो तुम देख रही हो जो कभी पूरे नहीं होंगे, और हकीकत तो यह है कि मेरी जो किस्मत है ना वो बदलने वाली, और मैं पूरी तरह रेडी हो चुका हूँ। सब लोग मेरा नीचे इंतजार कर रहे हैं तो मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम अपना देख लो। अगर मैंने तो आ जाना नीचे, वैसे कोई तुम्हें मिस तो नहीं करने वाला। सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं। इट्स ओके। वैसे तुम कब आई? और कार्तिक का है, मैंने उसे इनवाइट करने के लिए फोन किया था लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। वेरी बैड। मैं एक मिनट ना सुरभि, तुम जूस पियो। क्या तुम बार बार कोने में ले जाती हो? कार्तिक ने फोन नहीं उठाया तो उसी से पूछिए ना कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया। सुरभि शहर छोड़कर जा रही, उसे एक जॉब ऑफर के बारे में बताया था, उसी की डिटेल्स लेनी। सीरियस? तुम उसे कहीं जाने मत देना, रोक के रखना। मैं बस दो मिनट में। सुरभि, do you want something to eat? But कहीं मत जाना, मैं बस अभी आया। अभी का फोन? हाँ भैया। हे कार्तिक, कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई। अरे तू है कहाँ आजकल? मैंने तुझे फोन किया था पूरब के रिसेप्शन में इनवाइट करने के लिए, पर तूने मेरा फोन ही नहीं उठाया। I'm sorry यार, वो मैं काम में फंस गया था। अच्छा मुझे ये बता कि तेरे और सुरभि के बीच में सब ठीक तो है? क्या बोल, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? नहीं, वो यहाँ पार्टी में आई हुई है, वो प्रज्ञा से कह रही थी कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है और वहाँ पर वो किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करने वाली। भाई मैंने उससे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अभी थैंक्स यार, तू एक काम कर, तू उसको वहीं रोक के रखना, मैं बस अभी पहुँचता हूँ। ठीक है, पर पहले ये तो पता कि हुआ क्या। सूर्य देखो, जिंदगी में सच्चा साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला मत कर बैठना कि बाद में तुम्हें अपने ही फैसले पर पछताना पड़े। आपको पता है प्रज्ञा जी, कभी कभी ना लोग बुरे नहीं होते, हालात बुरे हो जाते, और जब हालात बुरे हो जाते हैं ना तो आपके अपने साथी भी झूठ की राह पर चलने लगते हैं। और इस बात को आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।